वेलकम बैक टू द चैनल, गुड मॉर्निंग सारे आनो और जय माता दी। आज फिर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। और आज जैसा कि नवरात्र का पहला दिन है तो आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता रानी आपका कृपा बनाए रखें, बहुत सांचे दरबार की जय। अब ब्लॉग को शुरू करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं माता रानी के घर में। पूजा जो है नवरात्रों की शुरू करी है मम्मी ने। जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने नवरात्रों का जो था पूजन का जो सामान था वो इकट्ठा किया था, तो आज घर में जो है माता रानी की पूजा शुरू हो गई है। तो आप भी दर्शन कीजिएगा, तो आगे का एजेंडा जो भी रहेगा वो आगे आपको बताता चले जाएंगे। कुछ ना कुछ लेके दो, क्या लेना है, कहाँ जा रही है तू? इधर तो आ, इधर आ, ये रोशनी है ना, क्या क्या कह रही है तू? मेरी बात समझ नहीं आ रही, क्या कह रही है? पहले नवरात्र पे कुछ ना कुछ लेते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये, जैसे सोफे नहीं आए छोटे बेटे के पास बेड नहीं है, अच्छा कुछ तो नया लेके दो ना, मतलब उसके रूम के लिए बेड लेना है, या तो बेड लेके दो या सोफे लेके दो। तो ऐसा करते हैं, पहले माता रानी को माथा टेकते हैं काली माता मंदिर जाके, आगे फिर फर्नीचर मार्केट चलते हैं, जाके देख लेते हैं बेड भी, इसमें क्या बात है। बेड पसंद आएगा तो लूंगा, ये ध्यान रखियो। ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा ना, अगर पसंद आएगा तो जरूर ले लेंगे। अब ये देखते हैं आगे, तो अभी फरमाइश आपने सुनी ली है, तो नवरात्रों में हम लोग हर बार हम लोग माता रानी की कृपा से पहले नवरात्र में कुछ ना कुछ हम जरूर लेते हैं। तो वो कह रही है इस बार हम बेड ले लेते हैं, नहीं तो सोफे लो, क्योंकि सोफे जो थे वो पुराने घर में मैं वहीं छोड़ आया था, तो इस घर में मेरे पास अभी सोफे है नहीं है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अच्छा कहीं सोफा सेट अगर मिल जाए, मोहाली से मिल जाए या यहीं पटियाले से मिल जाए, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा कि मैंने सोफे कहाँ से लिए, मैं अपडेट कर दूंगा, जब लेने जाऊंगा वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो अब इनकी फरमाइश पूरी करते हैं, चलते हैं अब इनके साथ, पहले माता रानी का दर्शन कर लेंगे काली माता मंदिर में, फिर जा करके फर्नीचर मार्केट में मिलते हैं जी। आज मैं जा रहा हूँ इस अनटॉक से, बहुत दिन हो गए अनटॉक नहीं चलाया था। नीचे वीडियो में कमेंट भी आया था कि कभी कभी आप अपना अनटॉक भी चला लिया करो, तो सोचा वाइफ के साथ अनटॉक पे चला जाता है। हम पहले जाएंगे काली माता मंदिर, फिर जाएंगे फर्नीचर मार्केट। बोलो साईनाथ महाराज की जय। ये सामने आ गया जी शेरा वाला गेट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और लेफ्ट हैंड साइड पे माता रानी का मंदिर है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं जी काली माता मंदिर। बोल सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। तो ये रहा जी मंदिर, नवरात्रों में दर्शन कर लो। जय माता दी, जय माता दी। तो हम दोनों के दोनों आ गए हैं माता रानी के दर्शन करने, दर्शन के माता जी के नवरात्र का जो शुरू है, ये सारा के सारी जो है, ये कौन सा नवरात्रा कब है और नवमी कब है, ये जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं फिर वो यहाँ पर आकर के मन्नत मांगते हैं और फिर ताला लगाते हैं, और आकर जब जिनकी मन्नतें पूरी होती है वो ताला खोल देते हैं। जय माता दी।
बोलो बजरंगबली महाराज की जय, बोलो गणपति महाराज की जय। आज माता रानी के जो दर्शन है वो बहुत अच्छे हो गए हैं। बोल सांचे दरबार की जय। ये सामने हो रहा है जी लंगर, और ये माता रानी के आप कर सकते हैं दर्शन। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑप्शन पे जाकर टिंग कर दें। वैसे ही मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। दिल्ली का विक्रम भाई आज आपको ले आया है काली माता मंदिर पटियाला में, तो आप भी दर्शन कीजिएगा। जय माता दी, बोलो बजरंगबली महाराज की जय। ये देखिएगा प्राचीन दरवाजे हैं, ये पुराने जमे के। ये सरोवर है, अभी इसमें साफ सफाई का काम चल रहा है। आगे भविष्य में हो सकता है कि आपको ये सरोवर जो है पूरा का पूरा भरा हुआ मिले। अब हम दोनों के दोनों जा रहे हैं लंगर करने, तो माता का लंगर करेंगे। जय माता दी। तो आज माता रानी की कृपा से लंगर भी मिल गया है, और आज कढ़ी चावल है, इधर करना भी है। तो आज बहुत अच्छे दर्शन हुए, आप लोगों ने भी किए होंगे। और इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और बेल के ऑप्शन पर जाकर टिंग कर दें। मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। आप अपना ख्याल रखें। जय माता।